अब खबर सिवनी जिले की तहसील लखनादौन से है, जहां मध्याह्न भोजन चोरी कर बेचने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोसाई खमरिया में संचालित राजीव गांधी मध्याह्न भोजन के सचिव विश्राम द्वारा दुकान में भोजन बेचा जा रहा था। इस दौरान जागरूक व्यक्ति जितेंद्र कहार ने मध्याह्न भोजन के अनाज को बेचते हुए पकड़ लिया और उसका वीडियो भी बना लिया। जितेंद्र कहार को वीडियो बनाते देख गल्ला व्यापारी और सचिव विश्राम ने धमकी भी दी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जितेंद्र कहार ने दी। इस मामले पर जन शिक्षा केंद्र के बीआरसी श्रीराम पटेल ने कहा कि जिसकी जांच की जाएगी, यदि बच्चों का निवाला चोरी छिपे बेचा गया है तो निश्चित ही स्व सहायता समूह को निरस्त करने की कार्रवाई होगी। क्या शुभ नाम लिखते हो, कहां रहते हो और ये जो मामला आया है मध्याह्न भोजन का, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम जितेंद्र कहार है, मैं गोसाई खमरिया में रहता हूँ। करीब रात 9 बजे मैं गोसाई खमरिया बंगाली डॉक्टर के पास गया, वही साइड में विश्राम कहार जो सचिव है मध्याह्न भोजन को, प्लस इनका बेटा है लक्ष्मण जो राशन की दुकान में का मतलब कोटा बांटता है अजिया पे, तो इनको मैंने रात में करीब 9 बजे देखा कि ये स्वंटिक रजक जो सुबह रजक का लड़का है जो गल्ला व्यापारी करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल में लक्ष्मण और विश्राम रजक कहा दोनों बाप बेटे सोंटी की मोटरसाइकिल में पीछे राशन दुकान की दो चावल की बोरी रख रहे थे। तो मैं एस डॉक्टर के घर से जैसे बाहर निकला, मैंने देखा कि पवन खड़ा है करके या लक्ष्मण खड़ा है करके, रात के अंधेरा था तो मैं भी पास में गया टहलते टहलते देखा मैंने, तो मैंने देखा कि ये तो मैं बोरी बेच रहा था आप मन को गल्ला की किस मन को किसका गल्ला है। फिर मैं तो वो बोलते हैं लक्ष्मण कहार कि तू अपना काम कर यहाँ से निकल, इधर काय के लिए आया है? तो मैंने बोला है आप राशन की दुकान की जो चावल की बोरी बेच रहे हो चोरी से, इतना मैंने क्या बोल दिया। विश्राम बोल रहा है कि घबरा नहीं, घबरा नहीं तो पिटेगा। फिर मैंने तुरंत मोबाइल निकाला तो पवन कहा लट्ठे लेके निकल गए। फिर अभी सर जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है खमरिया गोसाई में मध्याह्न भोजन जो चोरी करके और बेचा जा रहा था, जैसा कि आपने मुझे अवगत कराया है कि खमरिया गोसाई गांव में किसी समूह वाले के द्वारा सरकारी अनाज को बेचा जा रहा है, तो इस संबंध में मैं जांच करा लूँगा कि यदि वास्तव में वो सरकारी अनाज है जो स्कूलों में जाना था, यदि वो बेचा जा रहा है तो अवश्य उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसके अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।